our Play School. Subscribe our channel and click bell icon for new updates. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बड़े उ की मात्रा पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बड़े उ की मात्रा पढ़ेंगे। बड़े उ की मात्रा में किसकी साउंड होती है? ऊन जैसी। किसकी? ऊन जैसी। ओके, आपको भी मेरे साथ इस मात्रा को पढ़ना है। ओके, तो मैं आपको जो भी रीड करवाऊँ, आपको भी मेरे पीछे पीछे उसको रीड करना है। ओके, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? सूरज। ये क्या है? सूरज। ये देखो बड़े उ की मात्रा है ना, तो ये क्या बन गया? सूरज। ठीक है, नेक्स्ट है फूल। नेक्स्ट क्या है? फूल। ये देखो, दिख रहा है ना आपको इस पिक्चर में? ये क्या है? फूल। नेक्स्ट आप बताओ, नेक्स्ट क्या है? वेरी गुड, झूला। नेक्स्ट क्या है? झूला। वेरी गुड, अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? चूहा। नेक्स्ट क्या है? चूहा। वेरी गुड, ये देखो बड़े उ की मात्रा यूज हुई है ना। नेक्स्ट क्या है? भालू। नेक्स्ट क्या है? भालू। वेरी गुड, नेक्स्ट तरबूज। नेक्स्ट क्या है? तरबूज। नेक्स्ट क्या है? तरबूज। अब ये देखो, कुछ और वर्ड्स भी दिए हुए हैं, हम इनको रीड करना है। ओके, और आपको भी मेरे साथ इनको रीड करना है। देखो, दूध। ये क्या बन गया? दूध। ये देखो, धूप। ये क्या बन गया? धूप। नेक्स्ट क्या बनेगा? आलू। नेक्स्ट क्या है? आलू। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सूखा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्या है? बूढ़ा। नेक्स्ट क्या है? बूढ़ा। ओके, इसी तरह से आपको ये आगे सारे वर्ड्स पढ़ने हैं और यहाँ पे क्लीन क्लीन राइटिंग में राइट करना है। ओके, अब ये देखो, इसी के ऊपर बेस एक पोएम है। क्या है? पोएम। किसके ऊपर बेस है? बड़े उ की मात्रा पे। और बड़े उ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। कैसी होती है? ऐसी। ये किस पे बेस है? बड़े उ की मात्रा पे। तो हमारी पोएम क्या है? जूही का फूल। हमारी पोएम का क्या नाम है? जूही का फूल। आपको भी इसको मेरे साथ क्या करना है? रीड करना है। क्या करना है? रीड। चलो हम रीड करते हैं इस पोएम को। देखो, एक फूल था जूही का। क्या है? एक फूल था जूही का। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको जूही का फूल? ये है जूही का फूल। ये देखो, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये किसका फूल है? जूही का। ओके, डाली पर था झूल रहा। डाली पर था झूल रहा। क्या कर रहा था वो? डाली पे झूल रहा था। झूलना मतलब क्या होता है? कि वो उस डाली पे लगा हुआ था। ओके, डाली मतलब होता है टहनी। देखते हो ना आप, ये देखो ये थी टहनी, इसको बोलते हैं हम टहनी। ओके, फूल दूध सा दिखता था। ये देखो, फूल दूध सा दिखता था। फूल कैसा दिखता था? दूध जैसा सफ़ेद। ये देखो, है ना सफ़ेद, इसका मतलब है फूल जो था वो दूध जैसा दिखता था, यानी कि सफ़ेद था दूध जैसा। ओके, नेक्स्ट है खुशबू बिखरा कर महक रहा। यानी कि जो फूल है वो क्या कर रहा है? अपनी खुशबू महका रहा है। क्या कर रहा है? महका रहा है। खुशबू बिखरा कर महक रहा। ओके, अब हम ये फिर से दोबारा रीड करेंगे। रीड करते हैं। एक फूल था जूही का। ये देखो, ये दिख रहा आपको जूही का फूल। डाली पर था झूल रहा। ये देखो, डाली पर क्या कर रहा है? वो झूल रहा है, यानी कि वो अपनी टहनी पर क्या है? झूल रहा है।
फूल दूध सा दिखता था। फूल कैसा दिखता था? दूध जैसा सफेद दिखता था। खुशबू बिखरा कर महक रहा, वो अपनी खुशबू बिखरा कर क्या कर रहा था? महक रहा था। ओके नेक्स्ट है, सूरज आता जब नभ पर, यानी कि सूरज है वो जब आकाश पर आता था। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। जब सूरज आता जब नभ पर, यानी कि जो सूरज जो है वो आसमान में आता था, एक कबूतर आता था। क्या आता था? एक कबूतर आता था। सूरज आता जब नभ पर, एक कबूतर आता था। जब सूरज आसमान पर आता तो वहाँ क्या, कौन आता था? वहाँ एक कबूतर आता था। ओके स्टूडेंट्स, उस बगिया के सारे फूल क्या कह रहे हैं? उस बगिया के सारे फूल क्या कह रहे हैं? उस बगिया के जो सारे फूल चुनकर वह उड़ जाता था। जो नीचे गिरे हुए फूल होते थे वो क्या करता था? कबूतर चुनकर उड़ जाता था। वो फूल क्या करता था? चुनकर उड़ जाता था। कौन उड़ जाता था? कबूतर। ओके ये देखो, ये चुन रहा है ना, ये देखो कबूतर चुन रहा है। हाँ वैसे ही ये सारे फूल क्या करता था? चुनकर उड़ जाता था। नेक्स्ट है, एक दिन जूही का फूल खुद डाली से टूट गया। ये देखो टूट गया था ना एक दिन, ये देखो ये इसकी टहनी है और ये रहा फूल। ये क्या किया? ये जो फूल है वो टूट गया एक दिन। एक दिन जूही का फूल खुद डाली से टूट गया। एक दिन जो जूही का फूल था वो क्या हो गया? टहनी से टूट गया। ये देखो ये गिरा हुआ टूटकर, गिरकर वह फूल धूल पर पड़ा पड़ा ही सूख गया। गिरकर वह फूल धूल पर पड़ा पड़ा ही सूख गया। क्या कह रहा है ये? इसका मतलब है जब ये एक दिन जो जब जूही का फूल टूटकर गिर गया था नीचे, तो वह फूल धूल पर गिरा था और धूल के ऊपर गिरने की वजह से वह सूख गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, उस दिन भी आया कबूतर। नेक्स्ट है, उस दिन भी क्या आया था? कबूतर आया था। फूल उठाकर चला गया। फूल उठाकर, वो नीचे टूटा हुआ फूल क्या किया उसने? उठाकर चला गया। क्या उठाकर चला गया? फूल। टूटा फूल ही सदा उठाना, यानी कि टूटा फूल ही सदा उठाना सीख सिखा कर चला गया। यानी कि कबूतर ने हमें क्या शिक्षा दी? कबूतर ने हमें शिक्षा दी कि हमें टूटे हुए फूल को ही उठाना चाहिए, ना कि पेड़ पौधे से लगे हुए फूल को हमें तोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें इससे यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा गिरा हुआ फूल उठाना चाहिए, ना कि टहनी से तोड़कर उठाना चाहिए। ओके, कभी नहीं उठाना अपने को ऐसे, सिर्फ नीचे गिरे हुए फूलों को ही उठाना है। ओके नेक्स्ट है इसके कुछ शब्द भंडार। देखो नेक्स्ट क्या है इसके शब्द भंडार। फूल का मतलब होता है पुष्प। फूल का क्या मतलब होता है? पुष्प। खुशबू, खुशबू का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। सदा का मतलब होता है हमेशा। सदा का क्या मतलब होता है? हमेशा। नेक्स्ट है डाली। डाली का मतलब क्या होता है? टहनी। क्या होता है? टहनी। नेक्स्ट है नभ। नेक्स्ट क्या है? नभ। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। नेक्स्ट नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। ये देखो इसकी कुछ एक्सरसाइज भी दी गई है हमें, हमें इस एक्सरसाइज को क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट। ये देखो अक्षरों, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अक्षरों के साथ मात्रा लगाकर खाली स्थान भरिए। ओके, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके ये देखो, ये दी गई है ना मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? आ की, ये छोटी की, ये बड़े की, ये छोटे उ की,
और ये बड़े उकी। ओके ये देखो ये वर्ड्स दिए हुए हमें कुछ, इनका देखो ये आ की मात्रा लगाया गया को तो क्या बन गया गा, क्या बन गया गा। और अब हम जब गै को छोटे ई की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा गी, क्या बन जाएगा गी। और ये देखो जब हमने बड़े ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया गी। ओके ये गी बना और ये गी बना। ओके ये देखो छोटे ऊ की मात्रा हमें गै पे लगानी है तो क्या बन गया गू, क्या बन गया गू। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे जब क्या बनेगा गू। ओके ऐसे ही हमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं तो ये वर्ड्स कौन बताएगा फर्स्टली आप, तो बताओ मुझे ये क्या बनेगा। वेरी गुड जा बन गया, जब हमने इसमें आ की मात्रा लगाई तो ये क्या बना जा। ये देखो छोटे ए की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या बन गया ये जी। वेरी गुड नेक्स्ट बताओ। यस जी वेरी गुड। अब नेक्स्ट जू, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट तो हमें दिया ही हुआ है, ऐसे ही हमें आगे भी करना है। ओके अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक शब्द में उत्तर दीजिए। ओके ओनली वन लेटर में हमें क्या देना है उत्तर। ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फूल डाली पर झूल रहा था, कौन सा फूल झूल रहा था। वेरी गुड कौन सा जूही का, कौन सा जूही का, कौन सा फूल टहनी पर झूल रहा था जूही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नब में कौन आता था, नब में कौन आता था सूरज। वेरी गुड नब में क्या कौन आता था सूरज, आता है ना आकाश में सूरज हम देखते हैं ना, तो नब में कौन आता था सूरज। बगिया के फूल कौन ले जाता था, बगिया के फूल कौन लेके जाता था, कौन लेके जाता था। वेरी गुड कबूतर, कौन कबूतर। ओके ऐसे ही हमें आगे भी करना है। ये देखो ये देखो हमें यहाँ पे शब्द बनाने हैं। ओके ये देखो हमें आ दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है लू, और ये देखो हमें तीन वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इसी वर्ड्स को मिलाकर यहाँ पे क्या बनाने हैं तीन वर्ड बनाने हैं। तो जब देखो हम इनको कैसे जोड़ेंगे, आ को हमने प्लस करना है लू से तो क्या बन गया आलू, क्या बन गया आलू। नेक्स्ट करो आप, नेक्स्ट हमें इनको प्लस करना है क्या बन गया भा को हमें लू से प्लस करना है तो क्या बन गया भालू। वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा ये तो आप बताओगे मुझे लालू। वेरी गुड क्या बन गया लालू। इसी प्रकार हमें ये भी इन्हीं के साथ भी ऐसा ही करना है। ओके तो फर्स्ट मैं बताऊंगी बाकी सब आप खुद करेंगे। तो ये है रूप, रू को हमने प से जोड़ा तो क्या बन गया रूप, क्या बन गया रूप। नेक्स्ट आप खुद करोगे। ओके ये थे हमारी, ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है फोर्थ, ये देखो चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। ये देखो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको, दी गई है ना, इनको क्या करना है इनके नाम से मिलाना है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया गया है सूरज, फर्स्ट क्या है सूरज। ये देखो ये रही इसकी पिक्चर। अब सूरज कहाँ है इधर देखो, सूरज कहाँ राइट किया हुआ है ये रहा, कहाँ राइट किया हुआ है ये रहा। तो ये देखो दिया हुआ है ना सूरज, अब हमें ये पिक्चर को यहाँ पे मैच करना है। ओके तो मैं फर्स्ट मैं करके बताऊंगी, नेक्स्ट सब आपको खुद पिक्चर शो करके इनको मैच करना है अपने नेम के अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट है ये देखो पिक्चर में क्या दिया गया है, पहले इसका नेम बताओ आप क्या है, ये क्या है तरबूज। वेरी गुड अब यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है तरबूज, ये देखो ये लिखा हुआ है तरबूज, लिखा हुआ है ना
अब इनको इस पिक्चर को, ये रहा तरबूज यहाँ पे पिक्चर में, और ये राइट किया हुआ है तरबूज, तो हम इनको क्या करना है, मैच। तो हम इनको कैसे मैच करेंगे, ऐसे। वेरी गुड। ऐसे ही आपको बाकी सब दी गई पिक्चर्स को भी उनके नेम के साथ मैच करना है। ओके नेक्स्ट है हमारी कविता। नेक्स्ट क्या है हमारी कविता, ये देखो कविता याद करके सुनाइए। क्या क्या याद करके सुनानी है हमने, कविता। तो हमारी कविता क्या है, घूम हाथी झूम हाथी। क्या है भी, घूम हाथी झूम हाथी, झूम हाथ घूम हाथी झूम हाथी, भी घूम हाथी झूम हाथी, घूम हाथी झूम हाथी, चीकू खाकर झूम हाथी। और नेक्स्ट है अमरूद खाकर घूम हाथी, अमरूद खाकर घूम हाथी, सूंड उठाकर झूम हाथी, सूंड उठाकर झूम। नेक्स्ट है सूंड उठाकर झूम हाथी। आगे है डाली पकड़कर झूल हाथी। क्या है, डाली पकड़कर झूल हाथी, धरती बादल झूम झूम, धरती बादल झूम झूम, झूम सूरज तारा। क्या है, झूमे सूरज तारा। ओके चुनिया घूम मुनिया घूम, घूम जग सारा। क्या है, घूम जग सारा। ओके ये थी हमारी पॉइंट। ओके अब हमें इस चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है और इनके कुछ एक्सरसाइज लर्न करनी है और राइट भी करनी है। अब आपकी आएगी आगे वर्कशीट। ये है आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या है, बड़े उ की मात्रा। ओके इसकी हमें क्या करनी है, डिक्टेशन करनी है। ये देखो कुछ वर्ड्स मैंने राइट किए हुए हैं, ये देखो मजदूर। ओके ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे वर्ड्स राइट करने हैं, जैसे कि कबूतर। आगे है खरबूजा। ऐसे ही हमें घर पे भी इनकी डिक्टेशन करनी है इसी चैप्टर में से। ओके नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स। ये तो मैंने आपको शब्द अर्थ करवा ही दिए थे जूही के फूल के चैप्टर के। तो फर्स्ट वर्ड है फूल। फूल का क्या होता है, मतलब पुष्प। फूल का अर्थ होता है पुष्प। ऐसे ही हमारे कुछ और वर्ड्स भी हैं, उनको भी हमें क्या करना है, लर्न करना है। ओके और कुछ आगे है उनके क्वेश्चन आंसर। तो ये देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाली पर कौन सा फूल लगा था। डाली पर कौन सा फूल लगा था, डाली पर जूही का फूल लगा था। ये देखो जूही किसका लगा था, जूही का फूल लगा। तो आपको बाकी क्वेश्चन भी खुद रीड करना है और लर्न करना है। ओके और नेक्स्ट क्या है, ये हमारे और भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। और नेक्स्ट है पोइम। पोइम है ना, पोइम को क्या करना है, रीड भी करना है और लर्न भी करना है। ओके ये देखो मैंने आपको ये पोइम भी करवा दी। ओके फिर से आपको ये घर पे रीड करना है। ओके नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको बताया था ना बुक रीडिंग में, अक्षरों के साथ मात्रा लगाकर खाली स्थान भरे। ये देखो ये आपको क्या दी गई है, मात्राएं। और ये क्या दिया गया है, वर्ड्स। ये कौन सी मात्रा है, आ की। ये है छोटे ई की, ये है बड़े ई की, ये है छोटे उ की, और ये है छोटे ये सॉरी ये है बड़े उ की। ओके ये देखो मैंने फर्स्ट किया हुआ है गै। गै को आ की मात्रा लगी गा। गै को छोटे की मात्रा लगी गी। और गै को बड़े की मात्रा लगी गी। और बड़े उ की मात्रा लगी गै को जब गु। और बड़े उ की मात्रा लगी तो गु बना, और छोटे उ की मात्रा लगी तो गु। ओके इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये घर बैठ के इसी तरह से आगे भी करना है। ओके और नेक्स्ट है शब्द बनाइए। ये देखो शब्द बनाने हैं, मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ये देखो फर्स्ट मैंने किया हुआ है आ के साथ क्या लगे है, लू। तो क्या बन गया, आ लू। ऐसे ही आपको कुछ वर्ड भी करने हैं। ओके ये देखो, बड़े उ की मात्रा का उच्चारण रू रू के रूपों में की मात्रा का भी, छोटे उ का भी और बड़े उ का। ये देखो
छोटे ऊ की मात्रा तो रे पे ऐसे बनेगी, ओके। और बड़े ऊ की ऐसे, ये देखो छोटे ऊ की मात्रा में क्या है, रुपया, रुचि, गुरु, रुक, करुणा, तरु, तरुण, रुंझुन। और ये देखो बड़े ऊ की मात्रा, ये देखो रुमाल, रूपा, शुरू, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसको रीड आउट करना है, ओके। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, ओके। और इस चैप्टर को हमें क्या करना है, रीड और लर्न बोथ, ओके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.